तारीख 17 अक्टूबर साल 1998, जगह भदोही मिर्जापुर रोड। पुलिस को जानकारी मिली कि एक पेट्रोल पंप पर लूट होने वाली है। पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद खबर सामने आई कि पुलिस ने लूट करने वाले 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है। इसमें यह भी बताया गया कि इस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी मारा गया। रुकिए जरा, क्या आप जानते हैं कि ये धनंजय सिंह कौन है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माफिया धनंजय सिंह के बारे में। 16 जुलाई 1975 को धनंजय सिंह कोलकाता में पैदा हुए। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया। साल 1990 में वो क्लास 10th में थे। महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इसमें नाम आया धनंजय सिंह का। 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई और फिर से नाम आया धनंजय सिंह का। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नतीजन धनंजय को 3 एग्जाम पुलिस हिरासत में देनी पड़ी। आगे की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ पढ़ाई के साथ राजनीति शुरू हो गई। धनंजय, अभय, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जात के नाम पर सभी एकजुट हो गए। एक तरफ यूनिवर्सिटी में वर्चस्व बढ़ा तो दूसरी तरफ ठेकों में दखल शुरू हो गया। साल 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर अपनी मारुति कार से ऑफिस जा रहे थे। बाइक से 2 बदमाश आए और गोली मार दी। इन 2 बदमाशों में धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन साजिश रचने का पूरा आरोप इन्हीं पर लगा। पुलिस ने धनंजय पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। फिलहाल धनंजय सिंह पर कुल 10 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें से 4 मुकदमे साल 2015 के बाद दर्ज किए गए हैं। पर उनकी हत्या तो साल 1998 में ही हो चुकी थी ना, पुलिस के किए एनकाउंटर में। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में पुलिस ने जिसे धनंजय सिंह बताया था वो ओम प्रकाश यादव थे। उस वक्त विपक्ष में सपा थी। मुलायम सिंह ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच बैठा दी। एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। बता दें कि माफिया होने के साथ साथ धनंजय सिंह एक पॉलिटिशियन भी हैं, जो 2002 से 2009 तक जौनपुर जिले के रारी क्षेत्र से विधायक रहे। वहीं 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा में बसपा के सदस्य के रूप में सांसद भी रह चुके हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि अभी धनंजय सिंह कहाँ हैं? तो आपको बता दें कि फिलहाल धनंजय सिंह बेल पर हैं। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह को CJM कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका यूपी के चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।